नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम स्वीट लाई बनाएंगे। बिना घी तेल के बनी हुई स्वीट लाई बहुत अच्छी लगती है। बच्चे मीठा खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगी और आपको भी पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। स्वीट लाई बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। हमने एक कप चीनी ली है, इसे बर्तन में डाल देंगे और एक तिहाई कप पानी डालेंगे। पहले हम चीनी को पानी में घुलने तक पका लेंगे, बीच बीच में चला देंगे इसे। चीनी पानी में घुल चुकी है, लेकिन हमें चाशनी को और पकाना है। हमें इसे इतना गाढ़ा करना है कि ये एकदम जम जाए, जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाना है इसे। चाशनी अच्छी गाढ़ी दिख रही है, और जब हम इसे गिरा रहे हैं तो एकदम वाइट हो गई है। और एक ड्रॉप अगर प्याली में गिराएं तो ये ड्रॉप आप ऐसे करेंगे तो बह भी नहीं रही है, सेट होने वाली ड्रॉप है। हमारी चाशनी बन चुकी है, गैस बंद कर देंगे। ये हमने 4 कप लाई ले ली है। पैकेट से जब लाई निकालते हैं तो एकदम क्रिस्प निकलती है। हम लाई को इस तरीके से तोड़ कर देख सकते हैं। और अगर लाई आपने पहले से खोल के रखी हुई है और वो थोड़ी सी नरम हो गई है, तब आप उसे कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करके ले सकते हैं। तो ये फ्रेश लाई है एकदम। इसके ऊपर हम ये चाशनी डालेंगे और मिलाते चले जाएंगे। ये हमने आधी चाशनी डाल दी, अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने प्याला चेंज कर लिया है, वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। लाई को हमें एकदम अलग अलग करना है। इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो लाई के गट्ठर बन जाएंगे, गुठलियाँ जैसी बन जाएंगी इसमें। ये जो हमने चाशनी इसमें डाली थी वो लाई के ऊपर अच्छे से कोट हो गई है। अब हमारी बची हुई चाशनी भी हम डाल देते हैं। आपको कम मीठी लाई चाहिए तो आप इतनी चाशनी डालकर इसे बनाकर रख सकते हैं। ये हम चाशनी डाल देंगे और इसको फिर से बिल्कुल इसी तरीके से चलाएंगे। ये लाई हमारी एकदम खिल चुकी है, दाना दाना अलग है, शुगर पूरी तरीके से कोट हो गई है, एक जैसी शुगर कोट हुई है। बहुत अच्छी स्वीट लाई बनकर तैयार हुई है। शुगर कोटेड लाई सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाई को चेक कर लें, क्रिस्प होनी चाहिए। चाशनी को अच्छा गाढ़ा होने तक पकाएं, जब वो एकदम वाइट दिखने लगे तब तक उसे पकाना है। लाई के ऊपर चाशनी डालें, अच्छे तरीके से मिलाते रहना है, उसको अलग अलग खिलाना है। बहुत अच्छी लाई बनकर तैयार होगी। आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। लाई को पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इसे पूरे 2 महीने तक आप खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।